हेलो दोस्तों, मैं हूं निहाल और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रहस्य फैक्ट 2.0 में। दोस्तों, KGF चैप्टर 2 ने आते ही सिनेमा घरों में धमाल मचाना चालू कर दिया था और इस मूवी ने अपने ओपनिंग डे पर ही 134 करोड़ की शानदार कमाई की थी और जिस वजह से अब हर कोई इस फिल्म के शानदार कलाकारों के बारे में बात कर रहा है। लेकिन आज हम आपको पर्दे के पीछे बैठकर काम करने वाले फिल्म के नए हीरो से मिलवाने जा रहे हैं, जो महज 19 साल का है और उसने काम से फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील का दिल जीत लिया। दोस्तों, KGF चैप्टर 2 के लिए प्रशांत नील ने शानदार कलाकारों को कास्ट किया था, जिनमें कई सारे सीनियर कलाकार भी दिखे, लेकिन इस टीम का एक हिस्सा रहे 19 साल का एक लड़का भी था, जिसने फिल्म को देखने लायक बनाया। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि डायरेक्टर प्रशांत नील ने एक्शन से भरपूर इस मूवी के लिए किसी बड़े एक्टर को नहीं चुना, बल्कि उन्होंने इस काम के लिए एक 19 साल के उज्जवल कुलकर्णी पर भरोसा जताया। वहीं उज्जवल भी प्रशांत के भरोसे पर बिल्कुल खरे उतरे और उन्होंने इस फिल्म को दमदार तरीके से एडिट किया, जिसे आज हर कोई पसंद कर रहा है। दोस्तों, 19 साल के उज्जवल कुलकर्णी एक एडिटर भी हैं, जो कि 60 फिल्म में एडिट करते हैं, और जब प्रशांत नील को उज्जवल के बारे में पता चला तो प्रशांत नील उनके काम से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने इस बिग बजट वाले फिल्म से जुड़े एक अहम फैसला लेते हुए उज्जवल कुलकर्णी को एडिटिंग का जिम्मा सौंपा और उज्जवल कुलकर्णी ने सबसे पहले प्रशांत को फिल्म का ट्रेलर एडिट करके दिखाया, जो कि काफी ज्यादा शानदार था और निर्देशक को भी एक फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई। और उसके बाद प्रशांत नील ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस फिल्म की एडिटिंग की पूरी जिम्मेदारी एक 19 साल के लड़के उज्जवल कुलकर्णी के हवाले कर दी। और दोस्तों, भारतीय सिनेमा में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े बजट वाली मूवी को किसी अच्छे डायरेक्टर को छोड़कर एक किसी युवा को यह काम सौंपा गया। इससे पहले सिनेमा घरों में बिग बजट की फिल्में जैसे RRR, पुष्पा द राइज, राधे श्याम रिलीज हुई थी, जिसमें सीनियर एडिटर टीम को शामिल किया गया था। लेकिन KGF चैप्टर 2 को एडिट कर उज्जवल कुलकर्णी ने अपने काम से सभी को टक्कर दे दी है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको उज्जवल कुलकर्णी के बारे में पता चल गया होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।